गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अभी हमें नया लेसन सीखना है। हमने पिछली बार सूरज जी की पोएम हमने सीखी है ना, उसके बाद हमने संज्ञा ग्रामर सीखा। अभी हमें क्या सीखना है लेसन मेलजोल से रहो सदा। देखो आप अब कभी खेलने जाते हैं किसी ने आपके फ्रेंड के साथ, सहेलियों के साथ, मित्र के साथ खेलते हैं आप? आपको अच्छा लगता है ना कि आपको अकेले खेलने अच्छा लगता है? घर में अच्छा लगता है क्या? अभी हम कितने दिन घर में रह रहे हैं है ना, एक वायरस के वजह से रह रहे ना, तो हमें वहाँ अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना, हमें लगता है हम कभी बाहर निकले, हमारे फ्रेंड मिले है ना। वैसे ही देखो इस कहानी में है ना दिखाया गया है कि वो एक बिल्ली है ना। अभी हम देखेंगे एक कहानी दिखाई है कि मिलजुल कर रहने से है ना हमें कितना आनंद और प्रसन्नता प्राप्त होती है, और अकेले रहने में है ना कैसी बाधाएं आती है इसमें दिखाया गया है ना। देखो इसीलिए हमें क्या करना है, आपको आप घर में जब अकेले खाना खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्या? खाना कम जाता है। लेकिन स्कूल में देखो आप टिफिन लेकर आते हैं तो आपको बहुत भूख लगती है ना, और वो टिफिन कभी खत्म हो जाता है ना, समझते दो डिशेस होती है लेकिन पहले डिशेस में सबसे पहले हम खत्म करते हैं। क्यों? हम मिलजुल कर खाते हैं, इसीलिए मिलजुल कर रहने में बहुत मजा है। लेकिन कई बहुत से बच्चे हैं कि उनको है ना मॉब नहीं अच्छा लगता है ना, हमारे साथ कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अकेला बैठना है, अकेला पढ़ना है, अकेला खाना है, अकेला रहना है ना, ऐसे भी बच्चे होते हैं। वैसे ही एक कहानी आपको देखो ये सेकंड स्टैंडर्ड में मेलजोल से रहो सदा ऐसी कहानी आई है ना, हमें देखनी है, देखो है ना हमें पढ़नी है। वो एक थी बिल्ली, कौन थी बिल्ली, उसका नाम क्या था? किट्टी। क्या नाम था? किट्टी। आपके पास बुक है ना, तो ये पेज नंबर ओपन करो है ना, पेज नंबर 18 है ना, ये पेज ओपन करो देखो, और अपनी उंगली रखो वहां है ना, और सुनो। एक ही बिल्ली थी किट्टी, बहुत ही स्वार्थी है ना। ऐसी स्वार्थी का अर्थ क्या है? स्वार्थी का अर्थ क्या है? मतलबी। स्वार्थी का अर्थ क्या है? मतलबी। वो कैसी थी? मतलबी थी, मतलबी, अपना ही अपनी ही। स्वार्थी का अर्थ क्या है? सिर्फ हम अपना ही विचार करते हैं, बाकी किसका विचार नहीं करते, हमें सिर्फ मुझे मुझे दूसरों से कैसा फायदा होगा वही हम देखेंगे, बाकी हम कुछ नहीं देखेंगे। वैसे ही ये किट्टी थी, किसी के साथ बात करना उसे ज्यादा पसंद नहीं था। उसको क्या नहीं पसंद था? किसी के साथ ज्यादा बात करना उसको पसंद नहीं था। देखो किट्टी शब्द, बिल्ली शब्द, देखो कितना कठिन है ना, है ना, आप देख रहे हैं ना, बिल्ली ल हो आगे लगो देखो और फिर पूरा ल बिल्ली, किट्टी आगे लगो किट्टी बिल्ली किट्टी, ये शब्द ध्यान में रखो आप कितनी कठिन है, बिल्ली किट्टी स्वार्थी। स्वार्थी भी शब्द कैसा है, कठिन है देखो, स्वार्थी स्वार्थी। आपको अभी ये बहुत कहानी अच्छी लगेगी, देखो इसमें इसमें इस कहानी में हमें बहुत सीखने को भी मिलेगा। देखो किसी के साथ बात करना उसे ज्यादा पसंद नहीं था, जो दो बच्चे घर में को जिसके पास दादा दादी होती है ना, भाई बहन होते, देखो उनको एक दिन भाई कहाँ चला गया रहने के लिए अपने मामा के पास, अपने चाचा के पास, तो उसको घर में अकेला सुना सुना लगने लगता है। लेकिन जो घर में अकेला ही रहता है मम्मी पापा को, तो उसको मॉब में गया, किसी के घर में गया, उसके घर में चाचा चाची हो गए तो बोलते बाप रे आपके घर में कितने जन है ना। लेकिन जो अकेले रहता है वो बोलता है मुझे अकेले ही पसंद है। वैसे ही वो किट्टी थी, उसको अकेले ही रहना पसंद था, उसको किसी के साथ बात करना पसंद नहीं था, बस अपने मतलब की बात करती थी। वो क्या करती थी? सिर्फ अपने मतलब की। जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, मुझे पेंसिल चाहिए, मैंने आज पेंसिल नहीं लाई, जरा प्लीज मुझे पेंसिल दे दो है ना, कोई हमें हेल्प करता है हम उसे लेते हैं है ना। लेकिन जब क्लास में तब कभी भी किसी को भी जरूरत लगती है ना,
तब हमसे मांगता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। ऐसे कोई कोई लड़के लड़कियां होती है मतलबी होते, सिर्फ अपना काम करके लेते हैं, दूसरों को मदद को नहीं करते हैं। वैसे वो कैसे थी, वैसे ही किट्टी कैसी थी, मतलबी थी, है ना, सिर्फ अपना काम करके लेने का, बस दूसरों का काम देखने का नहीं, दूसरों को मदद नहीं करने का, ऐसी कौन थी, किट्टी थी। दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था, उसको दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, क्या बोलती थी वो, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है। क्या कहती थी वो, मुझे अकेले ही खेलना अच्छा लगता है। वह पति जब वह खा रही होती थी तो कोई उसके पास नहीं आता, सब जानते थे कि यह वही कहेगी, है ना, सबको मालूम था। देखो हमें भी मालूम होता है कि हमारे ये फ्रेंड कैसा है, वो फ्रेंड कैसा है, फिर हम उसके पास जाते नहीं, हमें मालूम है इसके पास हमें पेंसिल नहीं मिलेगी, ये मुझे पानी नहीं देगा, ये मुझे टिफिन शेयर नहीं करेगा, हमें मालूम होता है, उसके पास नहीं जाते। वैसे ही वो बिल्ली के भी फ्रेंड थे, उनको मालूम था कि किट्टी अकेली ही खेलेगी, अकेली ही खाएगी, अकेली ही रहेगी, हम उसके पास नहीं जाएंगे। जाओ देखो एक दिन क्या हुआ मालूम है, किट्टी को वो देखो उसको पसंद नहीं था, उसने कहा मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी। किट्टी ने क्या कहा, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है। वह कहती जब वह खा रही होती तो वो एक अकेली खाती थी, तो खाती थी, जाओ यहाँ से मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाना खाओ, ऐसी वो कहती थी। कोई उसके पास जाता था तो वो क्या कहती थी कि जाओ तुम, अभी मुझे अकेले ही खाना खाना है, मेरे बीच में मत खाओ। कोई भी चीज बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। घर में देखो हम कुछ लाए, खाना खाए, बाहर से कोई खाना लाया हमने तो हम सबको थोड़ा 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 देते हैं और हम सब मिलकर खाते हैं ना, हाँ, पर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे अकेले, गुपचुप जाते हैं कैटरी अकेले खाते और आते हैं, पर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं इतनी सी कैटरी होगी ना तभी भी सबको घर में बांट कर देते हैं, है ना, तो बांटना बहुत ही अच्छी बात है, ये कहानी से हम सीखेंगे। अभी देखो कोई भी चीज बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्त उसे बोले, तभी भी हाँ इतनी किट्टी ऐसी है मालूम थी, तभी भी उसके दोस्त उसको बोले किट्टी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। किट्टी के पास क्या थी, गेंद थी, है ना, गेंद का मतलब क्या है, बॉल, है ना, उसको क्या वो बोले कि किट्टी तुम्हारे पास जो गेंद है उसके साथ हम खेलेंगे। ये हाथ वो क्या वो चिल्लाई, वो क्या बोली, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को। किट्टी क्या बोली, मेरी गेंद को हाथ मत लगाना, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए, क्या बोली वो, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त सब, हमें भी किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, आप भी किसी के पास घर में जाते हो खेलते हो तो वो उसके पास अच्छी गाड़ी देखते हैं, हम बोलते कितनी अच्छी गाड़ी, तो हम हाथ लगा लेते तो वो चिल्लाता है मेरी मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, तो हमें बुरा लगता है कि हम फिर से उसके घर में नहीं जाते। वैसे ही वो उसके दोस्त रुक कर चले गए, है ना, वो अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी, वो क्या करने लगी, अकेले ही खेलने लगी। गेंद को पैर से लुढ़काती, पैर से क्या करती थी वो, लुढ़काती, है ना, ऐसे ढकेल देती वो, है ना, अपने पास लेती और ढकेल देती, लुढ़काती। देखो गेंद को पैर से क्या करती थी वो, लुढ़काती थी, ढकेल देना, है ना, लुढ़काती। फिर दौड़ को उसे लेकर आती, फिर क्या करती, दौड़ कर जाती और गेंद से फिर से लेकर आती। देर तक वह अकेली ही खेलती रही, देर तक क्या करती रही वो गेंद लेकर पास, वो अपने पास लेकर आती थी, फिर से अपने पैर से ढकेल देती थी, लुढ़काती थी, ऐसे बहुत देर अकेली ही खेलती रही और फिर थक कर बैठ गई। किट्टी क्या, किट्टी ने क्या किया, अकेले खेलकर खेला 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 और खेलकर क्या कर गई, थक कर बैठ गई। तभी उसने देखा कि बहुत सारी चिट्टियां खाना एकत्रित कर रही है, कौन,
चिटिया, चिटिया मैंने मूंगी एंड उसने देखा बैठ गई, जब वो गार्डन में वहां बैठ गई तो उसके बाजू में उसने देखा कि छोटी छोटी चिटिया क्या कर रही है, खाना एकत्रित कर रही है। चिटिया 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 मालूम है ना आपको, चिटिया क्या कर रही थी, खाना एकत्रित कर रही थी। एकत्रित, एकत्रित का अर्थ क्या है, एकत्रित एकत्रित का अर्थ क्या है, इकट्ठा, खाना इकट्ठा करना। चिटिया क्या कर रही थी, सब खाना एकत्रित कर रही थी। हम भी घर में देखते हैं ना, हमारे घर में ऐसे चिटिया लाइन से जा रही होती है, वो पुकारती है चलो मेरी फ्रेंड आओ, यहाँ यहाँ शक्करगिरी है, चलो सब सब आओ सब आओ, सब चिटिया लाइन में जाती है, सब खाना लेती है, एकत्रित करती है। हम भी देखते हैं, तो उसने देखा कि इतनी चिटिया ऐसे अच्छा काम कर रही है एकत्रित, वे खाने को उठाकर भी ले जा रही है। कुछ चिटिया मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका रही है। देखो जब हम घर में भी देखते हैं बड़ा टुकड़ा गिरा हुआ होता है ना, तो वो क्या करती है, अपने फ्रेंड को बुलाने जाती है और तीन चार चिटिया एकत्रित आती है और वो देखो ओढ़ ओढ़ कर उन्हें ले जाती है। वैसे ही वो बिल्ली देख रही थी कि जो बड़ा खाना है जो एक चिट्ठी से ढकेलने को नहीं आ रहा है, तो वो अपने फ्रेंड को बुला कर लाती है और चार चार पांच पांच चिड़िया मिलजुल कर वो खाना ले जा रही है। वो देख रही थी, किट्टी को अच्छा लगा, ये देखकर किट्टी को कैसे लगा, अच्छा लगा। उसने देखा, वो बैठ कर देख रही थी, वो थक गई थी ना, तो उसने देखा पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही है। कौन चहचहा रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, चिड़िया पेड़ पर कौन चहचहा रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी पेड़ पर, बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही थी। तो उस देख रही थी, वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रही थी। वो क्या कर रही थी, बहुत सारी चिड़िया एकत्रित आ गई थी ना, तो सब पेड़ पर बैठकर क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, है ना। उसको वो भी सुनकर क्या लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। उसके बाद देखो किट्टी देख रही थी कि देखो वो चिटिया भी एकत्रित आ गई है और वो खाना एकत्रित कर रही है, चिड़िया आ गई है वो क्या कर रही है, चहचहा रही है, आवाज कर रही है, गाना गा रही है। उसने आगे जाकर देखा कि फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां है, है ना। उसने आगे आगे जाकर देखा, वो बैठ गई थी ना, तो उसने आगे जाकर देखा कि वो जो फूल है ना, कि उसके ऊपर क्या है, बहुत सारी तितलियां उड़ रही है, क्या रही है, एक ही तितली है क्या वहां, नहीं बहुत सारी तितलियां उड़ रही है। वो भी उसको देखकर बहुत क्यारी, क्यारी का अर्थ क्या है, देखो यहाँ है क्यारी, क्यारी की शब्द बहुत कठिन है, तो को आधे तो को पूरा यो क्यारी, ये शब्द आपको लिखकर लेने ना, क्यारी, क्यारी का अर्थ क्या है, जहाँ जहाँ फूल, जो वह स्थान है कि जहाँ फूल और सब्जियां ना लगाए जाते हैं। क्यारी का अर्थ क्या है, हम फूल और फूल सब्जियां हम लगाते हैं ना, वह स्थान। वह स्थान, जिस स्थान पर हम फूल और सब्जियां लगाते हैं वह स्थान, ये है शब्दार्थ। और ये है कठिन शब्द। देखो क्यारी, जहां हम फूल सब्जियां लगाते हैं वहां, उसने क्या देखा, किट्टी ने क्या देखा कि कुछ तितलियां उड़ रही है,
लिया, क्या कर रही है वो फूलों का रस पी रही है, सभी इकट्ठा है, वो क्या है सभी की तितलियां भी क्या है एकत्रित है। उसने देखा, उसको वो भी चित्र देखकर क्या लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है, क्या देखा उसने है ना। फिर आगे जाकर उसने क्या देखा, उसके पेड़ के ऊपर उसने देखा कि मधुमक्खियां आपने देखी है कभी, मधुमक्खी क्या कहते हैं उसको हम, मधुमाशी। उसका उसने क्या देखा, छत्ता देखा, क्या देखा छत्ता। छत्ता का मतलब क्या है, उनका घर, मधुमक्खियों का घर। छत्ता का मतलब क्या है, मधुमक्खियों का घर। छत्ता का अर्थ क्या है, आपने कभी देखा होगा गांव में गए होंगे ना, तो वहां आपने देखा होगा कि कभी हमारे घर में भी आता है क्या, पेड़ में नहीं आता है ऐसे, देखो हमारे घर में भी आता है, देखो जहाँ कोई नहीं रहते हैं है ना, घर बंद होता है, मधुमक्खियों का छत्ता, मधुमक्खियों का घर। मधुमक्खियों का घर, तो उसने क्या देखा कि वो मधुमक्खियां एक बड़ा सा छत्ता है और मधुमक्खियां मिलजुलकर फूलों के रस से शहद बना रही है। मधुमक्खियां क्या कर रही है, जो छत्ता है ना, देखो वहां क्या कर रही है, फूलों के रस से शहद बना रही है ना। शहद का अर्थ क्या है, हम मौत भी थे ना, उसको क्या कहते हैं, शहद कहते हैं है ना। तो उसे देखा, वो भी चित्र देखकर उसको अच्छा लगा कि इतनी मधुमक्खियां गुनगुना रही है, अपना काम कर रही है और सब क्या है एकत्रित है। उसको वो चित्र देखकर अच्छा लगा। उसने देखा कि सभी मिलजुल कर रह रहे है ना, किसको किसको देखा, पहले चित्र में उसने किसको देखा, चिट्टियां को देखा, किसने किसको देखा, चिट्टियां को देखा है ना, कि वो क्या कर रही है, खाना एकत्रित कर रही है ना। फिर उसने आगे जाके किसको देखा, बहुत सारे चिड़िया देखी उसने, क्या देखी, बहुत सारी चिड़िया, वो क्या कर रही है, चहचहा रही है, एकत्रित मिलकर क्या कर रही है, गाना गा रही है। उसके बाद उसने किसको देखा, तितलियां को देखा, किसने देखा, तितलियों को देखा। तितलियां क्या कर रही है, फूलों का रस पी रही है, क्या कर रही है, फूलों का रस एकत्रित कर रही है, कर रही है। उसके बाद उसने आगे जाकर देखा कि मधुमक्खियां भी क्या कर रही है, फूलों की रस से शहद बना रही है। छत्ता देखा ना, कितना बड़ा छत्ता होता है और उस पर मधुमक्खियां बैठी रहती है, एक ही होती है क्या, बहुत सारे मधुमक्खियां होती है। ऐसे सब चित्र देखकर उसको बहुत आनंद मिला, तो वो क्या हो गई, किट्टी क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। अचानक उसे लगा, अरे देखो तो चिड़िया भी एकत्रित रहती है, चिड़िया एकत्रित रहती है, तितलियां एकत्रित रहती है, मधुमक्खियां एकत्रित रहती है, मैं ही हूँ सिर्फ कि मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। अभी उसको लगने लगा एकत्रित रहने में कितना मजा है, अकेले रहने में इतना मजा नहीं है। उसको लगने लगा, काश मेरे दोस्त होते, या वो किट्टी बोलने लगी मन में, अरे जैसे ये मजा करके रह गए तो मुझे भी दोस्त चाहिए। कौन चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए कि फिर मेरा ये अकेलापन दूर हो जाएगा है ना। किट्टी सोचने लगी है ना, वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। क्या किया किट्टी ने, अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ी। वो बोली, अभी नहीं, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, तितलियां कितनी खुश है, चिड़िया खुश है, मधुमक्खियां खुश है, मैं सिर्फ अकेली ही बैठी हूँ, अकेली गेंद से खेल खेल कर थक गई और बैठ गई, मुझे कोई तो भी खेलने चाहिए। इसलिए वो जो दोस्त उसको पूछने आए थे कि हम भी आपके साथ गेंद से खेले क्या, ऐसे पूछने आ रहे थे ना, तभी है ना, उसको अभी उसको दुख हुआ कि अरे मैंने उनको
नहीं बोला, इसलिए वो दोस्त को ढूंढने लगी कि मेरे सब दोस्त कहाँ गए जो मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे। उसने सभी जगहों में ढूंढा, उसने सभी जगहों को ढूंढा कि मेरे दोस्त कहाँ गए, उसको नहीं मिले। लेकिन वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। किट्टी उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरे बगीचे घूम आई, है ना। किट्टी ने क्या किया, ढूंढते ढूंढते पूरे बगीचा ढूंढा, लेकिन उसे अपने दोस्त नहीं मिले। देखो, है ना, वे वही झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे। दोस्त क्या छिपे बैठे थे, झाड़ियों के पीछे। क्यों, वो किट्टी से डरते थे ना कि वो अभी हमें गुस्सा करेगी, जाओ यहाँ से ऐसे बोलेगी। इसलिए सब दोस्त ने क्या किया, झाड़ियों के पीछे, बहुत सी झाड़ियाँ थी ना उसके पीछे। आप कभी बगीचे में गए ना, बहुत से पेड़ होते हैं तो पेड़ के पीछे का हमें कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही वो बहुत से झाड़ियों के पीछे छुप गए थे। वे वही झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे, पर किट्टी को दिखाई नहीं दिए। किट्टी ने उन्हें बहुत आवाजें भी दी, किट्टी ने बहुत आवाज दी, उनको बुलाया, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। आखिर वह थककर बैठ गई, उनको ढूंढ ढूंढ कर क्या गई, किट्टी थककर बैठ गई। वे उदास देखकर उसके दोस्त दुखी हो गए। तो किट्टी को उदास देखकर, दोस्त बहुत अच्छे थे ना उसको, उसके दोस्त बहुत अच्छे थे, तो किट्टी को उदास दोस्त देखकर दोस्तों को बहुत ही बुरा लगा, है ना। इसीलिए एक एक करके वो किट्टी के पास आ गए, है ना, घबरा घबरा कर वो क्या कर गए, एक एक करके किट्टी के पास आ गए। किट्टी खुश हो गई, किट्टी को बहुत अच्छा लगा, अरे मेरे दोस्त मेरे पास आ गए। वो बोली, मेरे साथ खेलोगे, लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। किट्टी बोली वो दोस्तों को कि मेरे साथ खेलोगे, तो दोस्त बोले नहीं, तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। वे एक साथ बोले, मैं अब समझ गई हूँ, है ना। किट्टी क्या बोली, अब मैं समझ गई हूँ कि मिलजुल कर रहने में ही बहुत मजा है, साथ साथ रहने में ही बहुत मजा है। किट्टी ने सब देखो बगीचे में देखा ना, सबको मिलजुल कर रहते हुए, इसीलिए अभी किट्टी उनको बोली, मैं समझ रही हूँ कि अकेले खेलने में मजा नहीं है, मिलजुल कर रहने में ही बहुत मजा है, मुझे माफ कर दो। किट्टी ने किसको कहा, दोस्तों को कहा कि मुझे अभी माफ कर दो, है ना, अभी हम क्या करेंगे, रोज खेलेंगे, मिलजुल कर खेलेंगे। सब दोस्त खुश हो गए, सब दोस्त क्या हो गए, खुश हो गए कि किट्टी को समझ गया है कि अभी हमें मिलजुल कर रहना है। उसके बाद वे हमेशा साथ साथ खेलते थे और साथ साथ ही जाते थे। अब किट्टी जान गई थी कि मोर मेलजोल से रहने में ही बहुत मजा है। अब किट्टी जान गई थी कि मिलजुल से रहने में ही बहुत मजा है। इसलिए हमें भी बच्चों, है ना, हमें भी सीखना है कि हमें कभी भी अकेले नहीं रहना है, है ना, हमें भी क्या करना है, मिलजुल कर ही रहना है। हम मिलजुल कर रहेंगे, देखो हमें अभी हम मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए कैसे, है ना, हमारे क्लास में भी, है ना, देखो कुछ नहीं होता है तो हम जल्दी से बोलते हैं मुझे जरा स्केल दे दो, है ना, हमें मिलता है। घर में हम अकेले होते हैं, हमारा काम पूरा नहीं होता है, क्यों, हमारे पास एकाध वस्तु नहीं होती है तो हम किसी से मांग नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हैं। लेकिन हम सब साथ साथ होते हैं, क्लास में होते हैं, है ना, वो देखो स्कूल में होते हैं तो, है ना, खेलते वक्त होते हैं तो हम बोलते हैं ना, मेरे पास गेंद नहीं, किसके पास गेंद है क्या, तो जल्दी से वो लेकर आते, तो हमारा खेल भी पूरा होता है ना। इसीलिए बच्चे लोग हमें सदैव, है ना, हमें क्या करना है, मिलजुल से ही रहना है। अभी हमें इस पाठ से क्या सीखना है कि हमें क्या करना है, मिलजुल से रहना है, बांट कर खाना है, है ना, कभी भी हमें किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। किट्टी देखो क्या कर रही थी, है ना, पहले क्या कर रही थी, उतने दोस्त आए उसको बुलाने के लिए, लेकिन वो दोस्तों के साथ गई क्या, नहीं, उसने उनको दुख पहुंचाया कि नहीं नहीं मुझे अकेले ही खेलना है, है ना, मेरी गेंद आपके पास जाएगी तो वो क्या होगी, खराब होगी, तो उसने क्या किया, दुख पहुंचाया। तो हमें ऐसे करना है क्या, नहीं, हमें मिलकर बांटकर खाना है, रहना है, है ना, नहीं तो क्या, अकेले क्या होती है, उदासीनता प्राप्त होती है, मिलजुल कर रहने में हमें प्रसन्नता मिलती है ना।
तो बच्चों इस पाठ से हम क्या सीखे कि हमें सदैव मिलजुल कर ही रहना है।